फिरोजाबाद में दोस्ती की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जहाँ एक युवक ने अपने दोस्त की मौत का गम बर्दाश्त नहीं किया और जलती चिता पर कूद गया। पूरी घटना नगला थाना क्षेत्र के स्वरूप घाट की है। बताया जा रहा है कि आनंद गौरव के दोस्त अशोक की कैंसर से मौत हो गई। 30 साल की दोस्ती का जब अंत हुआ तो इस सदमा गौरव बर्दाश्त नहीं कर सका। जब अशोक की चिता जल रही थी तभी आनंद उसमें कूद गया और जब तक लोग कुछ समझ पाते कि आनंद है तब तक आनंद 90% झुलस गया। इस घटना से चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे जलती चिता से निकालकर ट्रॉमा सेंटर भेजा जहां हालत नाजुक होने पर उसे इलाज के लिए आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। क्या बात हो गई थी? कुछ नहीं, एक लड़का खत्म हो गया था, मैंने ये ना दिया अशोक कुमार। कैसे खत्म हो, क्या हो गया था, पूरा मालूम बताइए। उसे कैंसर था तो वो आज सुबह 6 बजे खत्म हुआ। तो हम लोग उसे थाना नगला कंगर में सर्वपुर घाट पड़ता है वहाँ पे ले गए जलाने के लिए। तो वहाँ पर जैसे अर्थी वर्थी लग जाती है उसके बाद जला के कुछ लोग चले आए, कुछ लोग एक आध लोग रह गए हैं। उसके बाद इन्होंने आग में गिर के ये ड्रामा ये हादसा कर लिया। ये दोस्त थे उनके? हाँ। तो मतलब उनका गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और कूद गए आग में? हाँ। लेकिन आग में कैसे गिर गए थे? इन्होंने जेट भरी है ना, मतलब कूद गई थे क्या आपको? ऐसे कूद गए उसी में, बताते हैं लोग। मैं तो चला आया, मैं मुझे घर पे फोन आया। ट्रामा सेंटर है, यहाँ से क्या हुआ? दरअसल पंचवटी भदान के रहने वाले आनंद और अशोक बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। उनके परिवार के लोग भी इस बात से वाकिफ थे, पर अशोक की मौत के बाद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दोस्त की जुदाई के गम में आनंद ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है। अब पूरे इलाके में घटना की चर्चा है। पंजाब की सीटीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।